रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन का आज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहा है फैकल्टीज के लिए, और काफ़ी सारी फैकल्टीज यहां पर अलग अलग देश के विभिन्न भागों से रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन के रिक्रूटमेंट टेस्ट में अपीयर होने के लिए आई है। थोड़ा सा पीसीसीबी डिवीजन के बारे में बता देते हैं कि पीसीसीबी डिवीजन जो होता है वो क्लास फिफ्थ से टेंथ में एनसीईआरटी प्लस ओलंपियाड की बच्चों की तैयारी कराता है, और रेजोनेंस कोटा का ऐसा पहला संस्थान है जिसमें जूनियर डिवीजन की स्थापना हुई थी 2006 में, और उसके बाद बाकी कोचिंग्स ने भी धीरे धीरे अपने जूनियर डिवीजन शुरू किए थे। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस पायनियर है जूनियर डिवीजन में। साथ ही साथ में रेजोनेंस के जो ये टीचर्स ट्रेंड होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो रेजोनेंस में जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका एक बड़ा रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक रिटर्न टेस्ट आप देख रहे हैं, कितने देश के विभिन्न भागों से कितने लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं जो रेजोनेंस पीसीबी डिवीजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इनका एक रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और इस रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस में पहले एक रिटर्न टेस्ट होता है, और रिटर्न टेस्ट में जो लोग कट ऑफ के ऊपर नंबर लेके आते हैं उन्हीं लोगों का डेमो लिया जाता है एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू, और उस एक्सपर्ट टीचर्स के डेमो के बाद फिर जो लोग क्वालिफाई होते हैं उनका एचआर इंटरव्यू होता है, और उसके बाद उन लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। लेकिन उससे पहले भी टीचर भले ही फ्रेशर हो, भले ही टीचर कुछ सालों का अनुभव लेके आ रहा हो, लेकिन उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग यहाँ पर लगातार चलती रहती है। यही एक रीज़न है कि रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न साल दर साल अच्छे से अच्छे रिजल्ट इस्टेब्लिश कर रहा है, और आप ये देख सकते हैं कि साथ ही साथ में एक और नया कीर्तिमान रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न ने यहाँ पर स्थापित किया है कि पहली बार टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो ऑनलाइन लिया है। तो ये जब आप देख रहे हैं टीचर सब अपने मोबाइल पे टेस्ट दे रहे हैं, और इनके मोबाइल पे टेस्ट दे रहे हैं, तो ये ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, अपने मोबाइल पे दे रहे हैं। जिन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनके लिए कंप्यूटर लैब का अरेंजमेंट किया गया है। अभी हम कंप्यूटर लैब को विजिट करेंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स मोबाइल पे टेस्ट देते हुए या लैपटॉप पे टेस्ट देते हुए या डेस्कटॉप पे टेस्ट देते हुए दिख जाएंगे, और इसका फ़ायदा ये रहता है कि तुरंत रिजल्ट आता है, और इन लोगों को ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बढ़ती जाती है। जैसे ये लोग अपना पेपर सबमिट करते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर लैब में, तो इनका रिजल्ट तुरंत इनको डिस्प्ले हो जाता है, इनको मालूम पड़ जाता है इनके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने मार्क्स आए। एक रफ कॉपी इनको दी जाती है ताकि अपनी कैलकुलेशंस में कर सकें, बाकी अपने आंसर सारे मोबाइल पे सबमिट करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रेजोनेंस का एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आ रहा है पीसीसीबी डिवीजन का, जो 18 जुलाई से शुरू होगा, और ये 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, 15 सितंबर तक ये चलेगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी टीचर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एंट्री चाहते हैं, जूनियर डिवीजन में एंट्री चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अगर आप स्कूल के एग्जिस्टिंग टीचर हैं, आप किसी छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, और आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रेनिंग हो ताकि आप 8th, 9th, 10th डोमेन में ना सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि ओलंपियाड की तैयारी करा सकें, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 महीने का रखा गया है, ये हाइब्रिड मोड में होगा। तो आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर लैब में आ गए हैं, कंप्यूटर लैब में भी यहाँ पर हमारे टीचर्स जो हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और अभी आज 8 मई को ही एग्ज़ाम चल रहा है। मेरे ख्याल से इसमें 450 से 500 कैंडिडेट्स इस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, और इसके बाद इनका टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद इनके डेमोज होंगे, और डेमोज के बाद एक पूरा दिन भर का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो लोग सेलेक्ट होंगे उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। तो यही रीज़न है कि रेजोनेंस के इवन टीचर्स क्यों सिस्टम काम करता है, बिकॉज अगर टीचर चले भी जाते हैं तो एक सिस्टम होता है जो नए तरीके से टीचर्स को ट्रेन करता है, और वो टीचर्स के जाने से